बिल्कुल 80 to 90% तो बिल्कुल फंसने की हमेशा गारंटी रहती ही रहती है। हालांकि 90% से नीचे कभी फंसा ही नहीं, 90% से ऊपर ही हमेशा फंसता रहा है, आज तक का रिकॉर्ड रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल OCC वाईपुर सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे BSc सेकेंड ईयर के मैथ के फर्स्ट पेपर के गेस्ट पेपर को। आपके सामने दिख रहा होगा BSc सेकेंड ईयर का ये पेपर रहेगा, मैथ का फर्स्ट पेपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मैट्रिसेस वाला। इस जो आपका PDF आपके सामने दिख रहा है, इस PDF में आप देखेंगे तो दोनों पेपर आपके पास है, मैथ का फर्स्ट पेपर भी है और थर्ड पेपर भी है, और वो भी सिर्फ एक एक पेपर नहीं है, 2015 से 2019 तक का। जैसा कि आप लोगों को पता है मेरा पैटर्न कि मैं किस तरीके से वीडियो बनाता हूं, तो ये पैटर्न बिल्कुल रहने वाला है। BSc सेकेंड ईयर फर्स्ट और थर्ड पेपर दोनों इस PDF में है। ये मैं PDF आपको आज ही प्रोवाइड कर दे रहा हूं, लेकिन मैं आज जो डिस्कस करने जा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेपर को डिस्कस करने जा रहा हूं। थर्ड पेपर को हम लोग कल वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक ही दिन में एक ही वीडियो में दोनों नहीं हो पाएगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारा कुछ तो आप जानते ही हैं कि बिल्कुल 80 to 90% तो बिल्कुल फंसने की हमेशा गारंटी रहती ही रहती है। हालांकि 90% से नीचे कभी फंसा ही नहीं, 90% से ऊपर ही हमेशा फंसता रहा है, आज तक का रिकॉर्ड रहा है। लेकिन फिर भी मैं अपना एक बैकअप लेकर के चलता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं लड़कों को सपने दिखा दूँ, हो सकता है कि किसी साल बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर अभी बना दे और कम फंस जाए तो लोग चिल्लाने लगेंगे सर आप तो गारंटी लिए थे 90% से ऊपर फंसने की। तो इसीलिए मैं 80 to 90% ही यहाँ पर लिखता हूँ। बाकी अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे फंसने का, तो आप लोग जाकर के बिल्कुल प्रूफ के साथ चेक कर सकते हैं कि जो मैंने टिक किया था वो कितना आया है। तो आप देखेंगे 90% प्लस ही रहा है हमेशा, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग बिलीव कर सकते हैं, ना हो तो बात ही अलग है। देखिए गेस्ट पेपर ये आपका 2021 के लिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं इस बार का पेपर सिर्फ पहला और तीसरा होने वाला है, दूसरा नहीं होगा। तो उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ, और ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल हवा में बना रहा हूँ। बिल्कुल आप देखेंगे तो पिछले 5 साल के पेपर के बेसिस पर हम लोग बनाएंगे, और पिछला 5 साल कौन सा होगा, 2015 से 2019 तक का रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं PDF का दर्शन करवा देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल 2015 से लेकर के आप देखेंगे 2019 तक का बिल्कुल पेपर आपके सामने ये देखिए अवेलेबल है। ये देखिए 2015 से लेकर के आप देखेंगे इधर 2019 तक का ऊपर पेपर है, और दोनों पेपर है, फर्स्ट और थर्ड पेपर, ठीक है। ये आपका पेपर रहने वाला है। तो हम लोग बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा उल्टा है PDF, 2015 का नीचे है, फिर वहाँ से स्टार्ट होगा, 2019 पे आएंगे हम लोग। तो ये आपका मैकेनिक्स है थर्ड पेपर, जो कि हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आते हैं आज वाले पेपर पर, जिसका नाम होगा ये देखिए लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस, जो आपका मैथ का फर्स्ट पेपर है, मैथ का फर्स्ट पेपर है जिसका नाम लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस होता है। इस पेपर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस इस बार के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और ये इस बार के लिए नहीं हमेशा के लिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं खास करके इस बार के लिए ही बोलना चाहूँगा, ठीक है। तो 2015 का पेपर आपके सामने है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, मुश्किल से मैं 10 से 15 टॉपिक बताने वाला हूँ, इतना पढ़ के जाइए 90% से ऊपर फंसेगा, ठीक है। 80 to 90% की तो मेरी बिल्कुल लिखित गारंटी है आपसे, लेकिन याद रखिए 90 से प्लस ही हमेशा फंसेगा, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करिए आप लोग। पहला ही रिंग आइसोमॉर्फिज्म बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट करेगा, और लॉन्ग में नहीं पूछेगा, मैं बता दे रहा हूँ, शॉर्ट में ही सेम टू सेम ऐसे ही पूछेगा, डेढ़ नंबर में आपसे पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रॉपर जीरो डिवाइजर विद एग्जांपल, सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे पूछेगा। नेक्स्ट है इफ़ वी इक्वल टू आर क्यूब देन सो दैट डब्ल्यू इक्वल टू दिस 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 सब स्पेस ऑफ वी। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम रिपीट करेगा आपसे, सब स्पेस ऑफ वी ऐसे करके, यहाँ पे सब स्पेस ऑफ वी ही करके हमेशा वैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और दूसरा भी कर सकता है, वी का मतलब वेक्टर स्पेस होता है। तो इस तरीके से आपसे देखिए क्वेश्चन बनाया जाएगा, सब स्पेस कुल मिलाकर के सब स्पेस आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। सब स्पेस से क्वेश्चन आप देखेंगे लगातार बनाया जाएगा, और ए वाले सेक्शन में भी, बी वाले में भी, और कभी कभार आप देखेंगे सी वाले में भी आपको देखने के लिए मिलेगा सब स्पेस से क्वेश्चन। नोट कर लीजिए कि एक ए भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नाम से है, जो आप जानते हैं नाम वाला तो सारा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी पूछेगा शॉर्ट में भी पूछेगा, दोनों के लिए आपको तैयार करना है। डुअल बेसिस तो बिल्कुल ए वाले सेक्शन बी वाले सेक्शन तीनों के लिए तैयार कर लीजिएगा, डिफाइन डुअल बेसिस,
नेक्स्ट है इफ एस इज एन नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो तीन टॉपिक का नाम ही बिल्कुल मेंशन कर दिया, और मैं पूरा बोलूंगा कि ये पूरा टॉपिक ही एकदम चार्ट जाइए, बिल्कुल लेकर के खोलिए और उसको फटाफट चार्ट जाइए मसाला वसाला लगा के। पहला तो एम्प्टी सबसेट और दूसरा वेक्टर स्पेस, ठीक है, वेक्टर स्पेस वाला जो टॉपिक है इससे रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं सब बिल्कुल तैयार कर डालिए। हालांकि मैं कुछ चार पांच स्पेशल टाइप के भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, वो तो बिल्कुल आपको चाटना ही चाटना है, साथ में अगर और भी मिल जाए तो सारा कुछ चाट लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है, बहुत एकदम मोटे हो जाएंगे आप लोग। नेक्स्ट है एनहिलेटर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए तैयार करना है आपको। नेक्स्ट की बात करते हैं फटाफट, ये देखिए इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये शॉर्ट में ही ऐसे ही बनाया जाएगा, लॉन्ग में नहीं बनाया जाएगा, याद रखिए लॉन्ग में नहीं शॉर्ट में ही ऐसे ही बनाया जाएगा जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। डिफाइन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है, डिफाइन इनर प्रोडक्ट स्पेस से ऐसे ही बनाया जाएगा। नेक्स्ट है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस विद एग्जांपल, ये देखिए तो अभी शॉर्ट में पूछा गया लेकिन ये हमेशा लगातार तो लॉन्ग में ही पूछा जाता है, लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों में पूछा जाएगा, ए बी सी तीनों के लिए तैयार करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो रूट, देखिए रूट आपसे पूछा जाएगा, किसी भी मैट्रिक्स के रूट आपसे हमेशा पूछी जाएगी, तो रूट लॉन्ग में भी पूछा है, यहाँ तक कि सी वाले सेक्शन में भी एक दो बार पूछा है, ठीक है, तो इसके लिए आपको तैयार करना है, जितना क्वेश्चन मिल सके उतना आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर डालिए रूट निकालने के लिए। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ तो ये देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये भी बहुत बार पूछा है, ठीक है, अभी आप सोचेंगे ये तो सारा कुछ टिक कर दे रहे हैं लेकिन आप लोग जानते ही हैं, अगर मेरा आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मेरी स्टाइल क्या है, एकदम बिल्कुल धैर्य बना करके बैठे रहिए, अभी आपको समझ आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, पहले अभी आप सुनते जाइए। क्वाड्रेटिक फॉर्म, यहाँ से क्वेश्चंस लगातार बनेंगे 100% लिख लीजिए, और ये भी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म भी ए बी सी तीनों के लिए तैयार करना है, तीनों में ही क्वेश्चंस पूछे गए, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, तो ये आपको तैयार करना है। ये हो गया आपका 10 का 10 बिल्कुल ए वाला सेक्शन। नेक्स्ट आते हैं बी वाले सेक्शन पर, इसमें अब देखिए अब क्वेश्चंस रिपीट होने यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे आपके, कि एक ही पेपर में आप देखेंगे एक ही टॉपिक से दो दो तीन तीन क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कभी कभी ए वाले में भी वही पूछ दिया, बी वाले में भी पूछ दिया उसी टॉपिक से, सी वाले में भी उसी टॉपिक से पूछ दिया, ऐसा भी किया गया है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो वाला, ठीक है, दो वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम क्वेश्चन भी कभी कभी रिपीट कर देता, सेम टू सेम जैसे लिखा है ना ऐसे ही सेम टू सेम रिपीट कर देता। मैंने अभी आपको एक टॉपिक का नाम बताया था वेक्टर स्पेस, ठीक है, वेक्टर स्पेस देखिए वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें भी वही बात, देखिए मैंने आपसे बोला था ना कि सब वहाँ पे अभी आपको बोला हुआ था, तो सब स्पेस देखिए यहाँ से यहाँ पर भी पूछा हुआ, सब स्पेस आपको यहाँ से फाइंड करना है, जैसा मैंने अभी आपको ए वाले सेक्शन में दिखाया था कि सब स्पेस फाइंड करने के लिए बोल रहा था, तो मैं वहीं पर आपको बोला था कि ए वाले बी वाले सी वाले तीनों के लिए आपको तैयार करना, तो ये देखिए सब स्पेस यहाँ पर बी वाले सेक्शन में भी आपसे पूछा है, सब स्पेस भी ही इसमें आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, कुल मिलाकर मैं देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको पकड़ाऊंगा, बाकी सॉल्व कैसे करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है, पढ़ना कैसे, ये सारा कुछ आपके ऊपर है, बस मैं आपको बताए रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ के क्या जाना है, बस ये मेरा फोकस रहने वाला है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दो का अगर आप लोग और वाला देखें तो और वाले में भी सेम क्वेश्चन पूछा है, वेक्टर स्पेस से ही पूछा है, और देखिए वेक्टर स्पेस और लीनियर कम्बिनेशन, ये दो तीन पॉइंट याद रखिएगा, वेक्टर स्पेस और लीनियर कम्बिनेशन करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें पूछा क्या है, तो वेक्टर स्पेस इन द वेक्टर स्पेस एक्सप्रेस द वेक्टर दिस एंड एज, देखिए एज अ लीनियर, हाँ ये हमेशा जब आपको देगा ना एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एज अ लीनियर कम्बिनेशन के लिए आप लोग तैयार कर लेंगे, एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के लिए, ठीक है, ये आप लोग तैयार कर लेंगे, ये तो ये सेम क्वेश्चन वेक्टर स्पेस से ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन भी आपसे रिपीट किया जाएगा, बाकी अलग अलग तरीके से न्यूमेरिकल चेंज करके भी आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट फिर से वेक्टर स्पेस से पूछ दिया, ये देखिए फिर से वेक्टर स्पेस से आप लोग तैयार कर लेंगे, अब देखिए मैं क्वेश्चन को ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, मैं फटाफट आगे बढ़ूंगा नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिर से सब स्पेस से क्वेश्चन पूछा है, सब स्पेस फाइंड करने के लिए, तो सब स्पेस आप लोग फिर से, और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, सेम ऐसे ही लिख करके यही वाला क्वेश्चन आपसे रिपीट कर लिया जाता है, तैयार कर लीजिएगा ठीक से, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट कौन सा पूछ लिया भाई, वेक्टर स्पेस से नेक्स्ट फिर से पूछ लिया है, देखिए फिर से वेक्टर स्पेस से क्वेश्चन पूछ लिया है। नेक्स्ट के अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए क्या पूछा है, लीनियर ऑपरेटर, ठीक है इसको छोड़ दीजिएगा फिलहाल, इसको छोड़ दीजिए, ये मत तैयार करिएगा, थोड़ा सा टिपिकल पूछा है, किसी टॉपिक से बिलोंग नहीं कर रहा फिलहाल जो मैं अभी आपको बताया हूँ। आगे बढ़ते हैं बाईलीनियर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाईलीनियर से क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाएगा बाईलीनियर वाले टॉपिक से, तो बाईलीनियर फॉर्म आप लोगों को तैयार कर लेना कि बाईलीनियर एवरी बाईलीनियर फॉर्म ऑफ एन वेक्टर स्पेस वी, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा मैं आपको क्वेश्चन आपको नहीं समझाने जा रहा हूँ।
कुल मिला के बाईलीनियर वाला जो फॉर्म होता है, इस टॉपिक से क्वेश्चंस लगातार आपसे पूछे जाएंगे नेक्स्ट इसमें। और एक मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वो है इसक्यू सिमेट, इसक्यू वाला मैंने आपको अभी बताया था ना, इसक्यू वाला ये वाले सेक्शन में आया था। तो इसक्यू सिमेट्रिक फॉर्म, यहाँ से क्वेश्चंस लगातार बनाए जाएंगे और इसके से एक दो और क्वेश्चन बनाए जाएंगे, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको तैयार करके जाना है। नेक्स्ट की बात करूँ प्रोडक्ट स्पेस, देखिए इनर प्रोडक्ट स्पेस जो कि मैं ऑलरेडी टिक कर चुका हूँ एक नंबर में, और मैंने बोला था कि ये लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी बनाया जाएगा, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस से क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए है रैंक, रैंक फाइंड करने के लिए क्वेश्चन हमेशा पूछेगा आपसे, हमेशा पूछेगा, एक दो क्वेश्चन रैंक वाला जरूर ही आ जाएगा। लॉन्ग में अक्सर करके आता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लेकिन लॉन्ग में बी वाले सेक्शन में अक्सर आ जाता है रैंक फाइंड करने के लिए, लेकिन सी वाले में भी कई बार पूछा हुआ है। तो बी और सी दोनों के लिए खास करके आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ए वाला जो आपका है ना, ये जो आपको न्यूमेरिकल दिख रहा है, ये सेम टू सेम आप देखेंगे सेम टू सेम भी पूछ लेता है, और ये जो बीच में आपको कुछ इक्वेशंस दिख रहे हैं ना, इन इक्वेशंस को चेंज करके भी आपसे कई बार सॉल्व करने के लिए दे देता है। तो आप लोग बिल्कुल इसके लिए तैयार कर लेंगे कि अगर चेंज एक अगर आप लोग तैयार कर लेंगे ना, तो बाकी चेंज करके कुछ भी दे आपको आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, सेवन्थ वाले पर आते हैं, सी वाले सेक्शन में। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो क्या पूछा है, सब स्पेस से ही क्वेश्चन पूछा है, सब स्पेस। और मैं आपको बता दूँ सेम टू सेम क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इसका आंसर आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, सेम टू सेम क्वेश्चन आप देखेंगे दो से तीन बार चार बार रिपीट किया होगा अभी पिछले पाँच साल में ही, तो इस बार भी रिपीट कर सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन। इसका आंसर आपको बिल्कुल लाइन बाय लाइन आना चाहिए, जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको ये तैयार कर लेना है। नेक्स्ट देखिए ए इनवर्स फाइंड करने के लिए, यानी कि जिसको आप बोलेंगे, हालांकि ये थोड़ा सा ए इनवर्स तो बोला है, लेकिन देखिए कैले हैमिल्टनियन थ्योरम को सेटिस्फाई करके फिर बोला है कि ए इनवर्स फाइंड करने के लिए, तो ये थोड़ा सा इसमें एक ये वाला थ्योरम भी डाल दिया है, नहीं तो आप देखेंगे नॉर्मली आपसे ए इनवर्स अक्सर पूछ लेता है, कोई ऐसा पेपर नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा जिसमें ए इनवर्स ना पूछा हो, हमेशा ही पूछ लिया जाता है ए इनवर्स, ठीक है। तो ये आपको एक आपको तैयार कर लेना कि इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है, बहुत ही मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर होता है ना, ये जो पेपर है ना आपका मैथ का फर्स्ट पेपर मैट्रिक्स वाला, ये मेरा बहुत ही फेवरेट पेपर रहा है, मेरा बीएससी में बहुत ही ज़्यादा फेवरेट पेपर रहा है, मुझे तो इतना मज़ा आता था इसको लगाने में, पूछिए मत। मैं खुद इसे बहुत बढ़िया से आपको पढ़ाता, लेकिन क्या करूँ टाइम नहीं मिल पा रही है, फिलहाल के लिए मैं गेस कर दे रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। तो चलिए फटाफट आगे देखिए, इनर प्रोडक्ट स्पेस मैंने आपको बोला था कि सी वाले में भी पूछा जाएगा, देखिए पूछ लिया है। नेक्स्ट देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बोला था कि पूछा जाएगा, पूछ लिया है। इसमें एक दो टॉपिक और नोट कर लीजिए, आपसे पूछेगा रेंज स्पेस, फाइंड रेंज स्पेस एंड नल स्पेस, ये दोनों फाइंड करने के लिए आप देखेंगे और भी लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये देखिए सी वाले में पूछा गया ना, तो सी और बी में ही लगातार ये क्वेश्चन पूछे गए रेंज स्पेस से और नल स्पेस को फाइंड करने के लिए, तो ये आप लोग बिल्कुल तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट डुअल बेसिस मैंने आपको बोला था कि लॉन्ग में भी आएगा, ये देखिए सारे क्वेश्चंस यहाँ से आप देखेंगे कि अभी जो मैंने ए वाले सेक्शन में टिक किया था, यही सारे के इसी में से कितने क्वेश्चंस अभी के अभी इसी पेपर में ही रिपीट हो गए हैं, इन्हीं 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस अभी के अभी रिपीट हो गए, अभी एक ही पेपर पर हम लोग हैं, आप लोग खुद समझ सकते हैं। चलिए अब आते हैं 2016 के पेपर पर, 2016 कहाँ पे है, आगे बढ़ जाते हैं, ये तो मैकेनिक्स का है, ये रहा, ठीक है, ये रहा 2016 का पेपर। चलिए फटाफट इसको देखते हैं, बस अब मैं आपको इशारा करता जाऊंगा, आप लोग समझ से चले जाएंगे। लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, ये देखिए नया क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। होमोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस मैंने टिक कर दिया है। लीनियर फंक्शनल नया क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने टिक कर दिया अभी का अभी, और ये भी देखिए एक नया क्वेश्चन है, इसमें तीन नए क्वेश्चन हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ मैट्रिसेस, देखिए ये जो एक नंबर वाले होते हैं ना, कुछ नए क्वेश्चन आ जाते हैं, वो मैं ज़रूर दे देता हूँ, क्योंकि जो आपका एक नंबर वाला होता है ये अक्सर ज़्यादा क्वेश्चन होता है, ज़्यादा आपको तैयार करना पड़ता है, इसमें से क्या घुमा के पूछ देगा कुछ पता नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसमें तैयार करना पड़ेगा ए वाले सेक्शन के लिए। ए वाले में अगर आपको बहुत बेहतर करके आना एग्जाम में, तो थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन आपको तैयार करना पड़ेगा, बाकी मैक्सिमम तो फंसेगा ही फंसेगा। जैसे आप देख लीजिए इनर प्रोडक्ट मैंने टिक किया है, एक यहाँ पर नया क्वेश्चन है कि डिफाइन इकिलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, नया क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। रैंक मैंने बोला था कि आएगा, ए वाले में भी आएगा, देखिए आ गया है।
नेक्स्ट देखिए, अभी मैं टिक किया हूँ लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला। अभी देखिए दोबारा दो क्वेश्चन पूछ लिया इसी पेपर में। देखिए आइजन वैल्यू, ये टॉपिक नोट कर लीजिए, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आएगा आइजन वैल्यू से। आइजन वैल्यू और आइजन फंक्शन दोनों से क्वेश्चन आएगा, दोनों टॉपिक आप लोग नोट कर लीजिए। कैसे फाइंड करते हैं सीख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आते हैं नेक्स्ट बी वाले पर। तो बी वाले में फिर से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने वैसे आपको ऑलरेडी बोल दिया है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर स्पेस, ये सारी टॉपिक मैंने आपको, सब स्पेस ऑफ वी, इस तरीके से करके मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं। वो देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया है, रिपीट कर दिया है। इसका और वाला भी सेम वही है, वेक्टर वही वाला सेम टू सेम, दोनों क्वेश्चन ही अलग अलग हैं, बस न्यूमेरिकल चेंज है। ये देखिए डुअल बेसिस से क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने टिक कर दिया है। एन इल्टर मैंने टिक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, वेक्टर स्पेस मैंने टिक कर दिया है। ये देखिए डायमेंशनल स्पेस, ये देखिए थोड़ा सा आपको नया क्वेश्चन मिलेगा, अभी वेक्टर स्पेस था, अभी डायमेंशनल स्पेस से है, लेकिन चीज़ वही है, सब स्पेस वाली ही है, ठीक है, सब स्पेस वाली। और साथ में मैंने आपको बोला था कि सेम टू सेम क्वेश्चन जो रिपीट करेगा ये वाला, अभी मैंने आपको दिखाया था सी वाले सेक्शन में, शायद दिखाया था अभी पिछले पेपर में 2015 वाले में, सेम टू सेम क्वेश्चन देखिए रिपीट किया, सेम टू सेम लिख करके जा करके मिला लीजिए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने टिक कर दिया है, आएगा। देखिए रेंज मैंने टिक कर दिया था कि आएगा ही आएगा। नल स्पेस मैंने अभी जस्ट टिक किया था कि आएगा। सारे क्वेश्चन आप देखेंगे रिपीटेड हैं, बस न्यूमेरिकल चेंज हैं, न्यूमेरिकल चेंज है, टॉपिक सिर्फ हाँ सर ठीक है, टॉपिक बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगे, न्यूमेरिकल चेंज रहेगा। तो एक अगर आप लगा ले जाते हैं तो बाकी का आप लोग बड़े आराम से मुस्कुराते हुए लगा ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो इनर प्रोडक्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने टिक कर दिया है। लीनियरली इंडिपेंडेंट मैंने टिक कर दिया है, रैंक मैंने टिक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, सिक्स हो गया। ये देखिए मैंने बोला था कि आप लोग इक्वेशन वाला सॉल्व कर लीजिएगा, ये देखिए इक्वेशन वाला पूछा है, थोड़ा सा चेंज है शायद, या वही वाला है, मिला लीजिएगा। इक्वेशन वाला भी क्वेश्चन एक आध डाल ही देता है अक्सर, तो आप लोग तैयार कर लेंगे। ये देखिए सी वाले सेक्शन का सेम सेम अभी जो बी वाले में था ना, थोड़ा सा वो चेंज था, वही वाला क्वेश्चन आप देखेंगे थोड़ा सा और चेंज करके यहाँ पर देखिए सेम टू सेम रिपीट किया है, ठीक है। तो ये वाला आप लोग तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने आपको बोला था कि आप लोग थोड़ा सा इक्वेशन वाला तैयार करेंगे, हालांकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ही है, नल स्पेस ही पूछा हुआ है, नल स्पेस को डिस्क्राइब करने के लिए और इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए पूछा हुआ है। तो ये आप लोग तैयार कर लेंगे, ये दोनों ही मैंने टिक कर दिया है। क्वाड्रेटिक फॉर्म मैंने टिक कर दिया है, ये देखेंगे आप, टिक कर दिया मैंने। और ये क्या पूछा हुआ है, करेक्टरिस्टिक रूट मैंने बोला था कि लॉन्ग में भी आएगा, देखिए मैंने टिक कर दिया है, सारा कुछ मैंने टिक कर दिया है। अब बिल्कुल बस इन्जॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। ए इनवर्स मैंने बोला था कि आएगा, ए इनवर्स देखिए मैंने टिक कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2016 ख़त्म, 2017 पे आते हैं। 2017 आजा भाई, कहाँ पे है ये रहा, 2017 ठीक है, ये लेकिन मैकेनिक्स का है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा 2017 का अपना पेपर जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, पहला पेपर। चलिए इसमें अगर हम लोग देखें 2017 वाले में, तो वेक्टर स्पेस मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट है लीनियर डिपेंडेंस मैंने टिक कर दिया है। देखिए डिपेंडेंस और इनडिपेंडेंस दोनों यहाँ पर बोला हुआ है, दोनों ठीक से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आइसो मॉर्फिजम मैंने टिक कर दिया है, एनालिटर मैंने टिक कर दिया है, रैंक मैंने टिक कर दिया है, नलिटी मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट है डुअल स्पेस मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट ईयर में बात करूँ तो देखिए सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, हालांकि मैंने इसकी इस तरफ इशारा किया था 2015 वाले पेपर में ही, एक सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी मैंने टिक कर दिया। रैंक मैंने टिक कर दिया है। और देखिए कैले हैमिल्टन्स थियरम, ये मैंने टिक कर दिया, अभी मैंने वहाँ पर एक आया था कैले हैमिल्टन को वो करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, ये देखिए यहाँ पर अलग से स्टेट करने के लिए उसको बस इसकी डेफिनेशन पूछ दिया है, ये आप लोग तैयार कर लेंगे। आइजन वैल्यू मैंने टिक कर दिया ऑलरेडी, मैंने बोला था आइजन वैल्यू आइजन फंक्शन से क्वेश्चन आएंगे। बी वाले में आते हैं, सारा कुछ देखेंगे आप रिपीटेड है, बिल्कुल 10 का 10 क्वेश्चन रिपीटेड था। अभी देखिए यहाँ पर सब स्पेस मैंने ये वाला टिक कर दिया है, ये मैंने ये क्या है, सब स्पेस से भी क्वेश्चन मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने टिक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला आप लोग छोड़ दीजिएगा, एक ये क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट उसका जो और वाला है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से है, वो मैंने टिक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, डुअल बेसिस मैंने टिक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, सब स्पेस मैंने टिक कर दिया, सब स्पेस मैंने टिक कर दिया, रैंक मैंने टिक कर दिया है। एस्क्यू हैमिल्टन मैट्रिक्स मैंने टिक कर दिया है, सॉरी हैमिल्टन नहीं है, एस्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, एस्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ये मैंने टिक कर दिया है। आइजन वेक्टर मैंने टिक कर दिया है, सब स्पेस मैंने टिक कर दिया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट फिर से सब स्पेस से पूछा वो क्वेश्चन है, सब स्पेस मैंने टिक कर दिया है।
इनवर्स, देखिए इनवर्स फाइंड करने के लिए पूछा है, मैंने टिक कर दिया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें थोड़ा सा चेंज किया है कि बाय यूजिंग ई ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ई ट्रांसफॉर्मेशन से बोला है तो आप लोग ध्यान देंगे, इसके थ्रू करेंगे। ये वाला भी देखिए ए इनवर्स वाला ही है, वही वेरीफाई करके जो था ना, वेरीफाई करके जो 2015 में भी पूछा था, 2016 में भी, और देखिए 2017 में भी पूछा हुआ है। ये बताइए इसमें से एक दो क्वेश्चन अगर नए छोड़ दिए जाएँ जो मैंने बोला कि मत करिएगा, तो बाकी सारे कुछ नहीं बिल्कुल फंस रहे, और वाला भी फंस रहा है आपका, जो करना है वो भी फंस रहा है आपका, मतलब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपका छूटे, सारा कुछ एकदम बिल्कुल फंसा हुआ क्वेश्चन है 2017 की में ही। अभी आते हैं 2018 में, देखिए क्या कमाल होने जा रहा है, 2018 पे आ जाते हैं। ये देखिए 2018 का आपका पेपर लीनियर अलजेब्रा, हाँ लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस का। ये देखिए क्वेश्चंस पर आते हैं, पहला वाला वेक्टर स्पेस, पहला वाला वेक्टर स्पेस मैंने टिक कर दिया, वेक्टर स्पेस मैंने टिक कर दिया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट कौन सा है भाई, ये वाला छोड़ दीजिएगा, हालांकि ये भी ट्रांसफॉर्मेशन से ही है, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन नहीं फंसा है, मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूँ। बाई डुअल स्पेस इसको तैयार कर लीजिएगा, एक देखिए डुअल स्पेस सही है लेकिन बाई डुअल स्पेस बोल दिया है, तो डुअल स्पेस वाला ही टॉपिक है, ठीक से तैयार करिएगा तो उसमें बाई डुअल आ जाएगा, मैंने वैसे ऑलरेडी टिक कर दिया है। एंड लेटर मैंने टिक कर दिया है, बाई लीनियर मैंने टिक कर दिया है। देखिए ये यहाँ पर एक नया आपको मिल जाता है काउची वाला, ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला रिपीट भी करेगा, अभी बहुत बार रिपीट भी करेगा, अभी 2019 वाले में रिपीट करेगा, तो ये आप लोग बिल्कुल तैयार कर लेंगे काउची वाला, ठीक है। सिमेट्रिक मैंने वैसे टिक कर दिया था, अब इसी में एस्क्यू सिमेट्रिक भी आप लोग तैयार कर लेंगे बढ़ा करके, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक एस्क्यू सिमेट्रिक ये सारा कुछ आप लोग तैयार कर लेंगे, यहाँ से लगातार क्वेश्चंस बनते रहते हैं शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। एलिमेंट्री मैट्रिसेस नया, ये देखिए नया है, ठीक है, ई वाले सेक्शन के लिए नया है एलिमेंट्री मैट्रिसेस, ये वाला आप लोग तैयार कर लेंगे, इसको डिफाइन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो बिल्कुल सारा कुछ टिक किया हुआ है, ये देखिए नॉन एम्प्टी सबसेट इस बार दिया, एम्प्टी सबसेट की तरफ मैंने इशारा किया था, तो ये नॉन एम्प्टी सबसेट है, बिल्कुल मैंने टिक किया हुआ, सब स्पेस वाला मैंने टिक कर दिया है, आप लोग तैयार कर लेंगे, ये भी सब स्पेस से है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से है, ये आप लोग तैयार कर लेंगे। रैंक वाला मैंने बोला था कि रैंक पूछा जाएगा, रैंक देखिए आपसे पूछा भी गया है। नेक्स्ट फिर से देखेंगे आप, तो मैंने बोला था कि वेक्टर स्पेस और डायमेंशनल स्पेस आप लोग तैयार कर लेंगे, तो डायमेंशनल स्पेस वाला आप देखेंगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डुअल बेसिस से, तो आप लोग तैयार कर लेंगे, सारा कुछ मैंने टिक कर दिया। और सेम टू सेम ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन अभी 2017 या 2016 वाले में सेम टू सेम यही का यही क्वेश्चन था, अभी 2016 या 17 वाले में देख लीजिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको आना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपको तैयार होना चाहिए। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस मैंने टिक कर दिया है आपको ऑलरेडी, ये देखिए हर्मिशियन मैट्रिसेस मैंने टिक कर दिया है ऑलरेडी। और अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए सिमेट्रिक वाला मैंने अभी बोला था कि आप लोग तैयार कर लीजिएगा, मैंने टिक कर दिया है। और ए वाला स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ही नया टॉपिक है और बढ़िया टॉपिक है अभी तक जो मैंने टिक नहीं किया, स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोग तैयार कर लेंगे, लिख लीजिएगा, ये भी एक टॉपिक बढ़िया है, यहाँ से भी लगातार तो नहीं लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस बना लिए जाते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वेक्टर स्पेस मैंने टिक कर दिया है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने टिक कर दिया है, ये भी देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से है। एक यहाँ पर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि नया रहेगा अभी तक के लिए, अभी तक तो नहीं आया था पिछले 5 साल में। ये देखिए बेसिस इनइक्वालिटी, इसको स्टेट एंड प्रूव करने के लिए बोला है, ये तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है इस बार रिपीट कर दे। आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर आपसे पूछा है हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है, तो आप देखेंगे मैक्सिमम मैंने टिक कर दिया है, इक्का दुक्का बस ऐसा है कि जो नहीं फंस रहा है। आगे आते 2019 में चेक करते हैं कि हम लोग कितना कर पा रहे हैं, ये देखिए 2019 में। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए सो दैट सेट दिस दिस फॉर्म ऑफ V3F, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसा वाला मैंने वैसे टिक किया हुआ है, अगर आप लोग उतना तैयार करते हैं तो ये ऑलरेडी उसी के अंदर आ जाएगा, आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। एक यहाँ पर नया मिल जाता है आपको कोसेंट स्पेस को डिफाइन करने के लिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीट कर सकता है इस बार, ठीक है, ये तैयार कर लीजिएगा कोसेंट स्पेस। नल स्पेस मैंने टिक कर दिया, रैंक मैंने टिक कर दिया है, प्रोडक्ट स्पेस मैंने टिक कर दिया है। और अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ये देखिए बाई लीनियर मैंने टिक कर दिया है, और ये देखिए एक और तैयार कर लीजिएगा यूनिटरी के, यूनिटरी वाला ये आपसे पूछेगा प्रूव करने के लिए, आपको देगा ऐसा क्वेश्चन, तो ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन होता है। देखिए सिमेट्रिक मैंने टिक कर दिया है, इसक्यू हर्मिशियन मैंने टिक कर दिया है, और नेक्स्ट की बात करूँ तो ये देखिए करेक्टरिस्टिक मैंने टिक कर दिया, करेक्टरिस्टिक रूट वाला सेम वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, एक क्वेश्चन करके दिया हुआ है, सब स्पेस मैंने टिक कर दिया। और ये देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन,
सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है। डायमेंशनल वेक्टर स्पेस मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट की अगर बात करूँ रैंक वाला, ये सारा कुछ मैंने टिक कर दिया। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने टिक कर दिया है। मैक्सिमम तो सेम टू सेम क्वेश्चन है। काउची वाला मैंने भी जस्ट टिक किया है, मैं किया था, मैंने बोला था कि आएगा 2019 में, देखिए आया हुआ है। आगे अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए डुअल बेसिस से पूछा हुआ है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने टिक किया हुआ है। हाइजन वैल्यू से मैंने टिक किया है। रैंक मैंने टिक किया है। आगे बढ़ते हैं, सारा कुछ बिल्कुल आपका और वाला भी फंस रहा है और बिना और वाला भी फंस रहा है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस मैंने टिक कर दिया है। देखिए करेक्टरिस्टिक रूट और करेक्टरिस्टिक वेक्टर मैंने टिक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, डायमेंशनल स्पेस मैंने टिक कर दिया। सेम टू सेम क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट किया, सेम टू सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट किया। इसी वाले सेक्शन में तीन चार बार रिपीट कर चुका है। इनर प्रोडक्ट मैंने टिक कर दिया है। नाइन्थ वाला क्या है, नाइन्थ टेंथ, नाइन्थ वाले में है। देखिए दो मैट्रिक्स, दो तीन मैट्रिक्स की मैं बात कर चुका हूँ। एक ये देखिए नई मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन यहाँ पे बना लिया है 2019 में। इसके पहले भी आप देखेंगे पिछले चार साल में नहीं बनाया हुआ था। तो एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी आप लोग तैयार कर लेंगे डायगोनल मैट्रिक्स से भी हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन अगर आ जाए, पल्ले पड़ जाए, तो आप लोग आराम से कर ले जाइएगा। ये भी बढ़िया टॉपिक होता है, रिपीट किया जाता है, लेकिन बहुत कम पूछा जाता है। ज़्यादातर वही आपका डायगोनल वाले से, सॉरी डायगोनल नहीं, डायमेंशनल वाले से पूछा जाता है, वेक्टर स्पेस से पूछा जाता है, यही से पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। आगे अगर हम लोग बात करें तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन मैंने अभी बोला था कर लीजिएगा, इन्फिनिटी ऑफ सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये तीनों के लिए आप लोग तैयार कर लीजिएगा। हालांकि ये नया क्वेश्चन है, अगर आप लोग नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाकी तो आप करेंगे क्योंकि सी वाले सेक्शन में से दो ही ना करना है। अब ये देखिए ये मैंने सेम टू सेम मैंने टिक किया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है। तो 11वां आप लोग कर लेंगे, 11वां के बाद मैंने ये वाला टिक किया हुआ है, ये कर लेंगे आप लोग, ये वाला फंसा हुआ है, ये वाला आप लोग कर लेंगे। तो तीन क्वेश्चन वैसे ही फंसा हुआ है, तीनों में से कोई भी कर लीजिए। अगर 9वां 10वां नहीं फंस रहा है तो क्या दिक्कत है, तीन वैसे ही फंस रहा है, करना आपको दो है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखेंगे सारा कुछ बिल्कुल आ रहा है, दो तीन नंबर का अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी आप देखेंगे सारा कुछ बिल्कुल आराम से आ सकता है। एक नंबर वाले में हो सकता है एक दो तीन क्वेश्चन अगर डिफर करे तो करे, नहीं तो बाकी सारा कुछ आप देखेंगे आराम से आपके एग्जाम में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो बिल्कुल एक गेस्ट पेपर कैसा लगा आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए, और किस सब्जेक्ट का आप लोगों को चाहिए, किस पेपर का आप लोगों को चाहिए, फटाफट वो भी लिख करके बताइए। मैं बिल्कुल तैयार हूँ और फटाफट मैं आप लोगों को बना करके देता रहूँगा। आप लोग जा करके बिल्कुल एग्जाम में गर्दा उड़ा करके आइए, और आ करके सभी लोग प्लीज़ कमेंट करेंगे वीडियो को, इसी वीडियो के नीचे, कि पेपर आपका कैसा गया, ठीक है, इसमें से कितने क्वेश्चंस फंसे थे, प्लीज़ आप लोग वीडियो के नीचे आकर के कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।